अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? और वेलकम बैक मूरत की किचन में। और आज मूरत की किचन में एक क्विक रेसिपी बनने जा रही है जो कि है एग फ्राई राइस। और एग फ्राई राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए राइस जो कि मैंने 100% बॉयल कर लिए। और उसके बाद मैंने 3 एग्स लिए, कुछ ये मैंने मिक्स वेज लिए, 1 ग्रीन चिलीज, 1 अनियन और ये मिक्स पेपर, और ये मैंने हरा प्याज लिया, विनेगर, और मैंने लिया सोया सॉस। सबसे पहले हम अंडे को बीट कर लेंगे। अब अंडे अच्छे से बीट हो चुके, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालने जा रही हूँ 3 टेबलस्पून ऑयल। और साथ ही मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने डाला 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और साथ ही हम डालने जा रहे हैं अनियन, और इसे हमने फ्राई पैन रख लिया। और डालेंगे एग्स, साथ ही मैं डालने जा रही हूँ मिक्स वेज, ग्रीन चिलीज, ये ग्रीन अनियन मैं डालूंगी लास्ट पे, और साथ ही मिक्स पेपर जो कि मेरे पास फ्रोजन थे, मैंने फ्रोजन लिए, आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। और इधर हमारा एग स्क्रम्बल हो चुके हैं, मैंने स्क्रम्बल एग बना लिए। और अब मैं डालने जा रही हूँ अपने मसाले, अपना टच, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और बिल्कुल 1/2 टीस्पून चिली, क्योंकि सॉल्ट मैंने जब राइस बॉयल किए थे तो मैंने डाला था, आप अपने हिसाब से डालें। और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ एग्स, जो कि एग स्क्रम्बल हो चुके हैं। अब मैं इस जगह पे डालने जा रही हूँ पेरी पेरी सॉस, 1 टीस्पून। One tablespoon soya sauce. One teaspoon vinegar. अब तकरीबन तमाम हमारे वेज हो चुके हैं, बन चुके, रेडी हो चुके। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ राइस। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बहुत मजे की आज मूरत की किचन में ये क्विक रेसिपी बनने जा रही है। आप जल्दी जल्दी मूरत की किचन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि जो भी क्विक रेसिपी होती है आपको जल्दी से मिल जाए। और अब ऐड करने जा रही हूँ लास्ट पे अपने ग्रीन अनियन जो कि स्मॉल मैंने चॉप्ड किए थे, थोड़ा सा हरा धनिया ताकि अच्छी सी लुक आए हमारे एग फ्राई राइस पे। पानी
पांच मिनट के लिए हम इसका लिड कर देंगे बंद। अब माशाल्लाह से हमारे राइस बन चुके हैं, रेडी हो गए हैं। डिश आउट करके आपको बताते हैं कि कैसे बने हमारे चाइनीज राइस, एग फ्राई राइस।